क्षमा करिए रानी सा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ रानी सा। कितनी बार कह चुके हम आपसे, हम कुछ नहीं खाना चाहते, कुछ नहीं पीना चाहते, क्यों बार बार तंग करने आ जाती हैं आप हमें? रानी सा, इसे एक बार देख तो लीजिए। नहीं देखना है हमें, चली जाइए यहाँ से। बस एक बार देख लीजिए रानी सा। हमने कहा चली जाइए यहाँ से। रानी सा, ये कबूतर और मैं, हम दोनों आगरा से आए हैं। आगरा से मतलब शहंशाह अकबर ने भेजा है आपको। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं रानी धीरभाई, कि बहुत जल्द हम वहां आकर आपके बेटे को फिर से मेवाड़ के तख्त पर बिठाकर उसे उदयपुर का राजा बनाएंगे। बराए मेहरबानी हौसला मत छोड़िए, और प्रताप और उसके खानदान को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां रहते हुए आप जो भी कर सके करती रहिएगा। इंशाल्लाह प्रताप को हम खुद वहां आकर उदयपुर के शाही तख्त से उतारेंगे। हम जानते थे शहंशाह पर कि यहां हुए उलटफेर के बाद आप चैन से नहीं बैठेंगे, और फिर कुंवर प्रताप की मौत का निशेला सौदा तो हम आपसे कर ही चुके थे। संदेशा आ गया, उदयपुर आपको जाना है। हम तैयार हैं आपके लिए, ना हमारे रूप रंग का किसी के पास कोई तोड़ है, और ना ही हमारे मश्क प्रताप। तो क्या हुआ, आज हम बंदी हैं, आज नजरबंद है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमारे सम्मान में तनिक भी लापरवाही बरते। जाइए, इन सभी दासियों को तुरंत बदल दीजिए। ये सारी की सारी अनुभवहीन है, राजा रानियों की सेवा का कोई अनुभव नहीं है। ठीक है रानी सर, जैसे ही काम की ये पाली समाप्त होगी हम आपके आदेशों को पूरा कर देंगे। हमारे आदेश का पालन इसी समय होगा। याद रहे, हम आपके विरुद्ध शिकायत को राणा प्रताप तक आज भी पहुंचा सकते हैं। यदि हमने ऐसा कर दिया
तो सोच लीजिए आपके और आपके परिवार के साथ क्या होगा। ठीक है रानी सर, मैं अभी आपकी दासियों को बदलवाता हूँ, चलिए आप लोग मेरे साथ। राजमाता जी, मेवाड़ की राजमाता होने के नाते और इनकी माता होने के नाते आप महाराणा प्रताप की भविष्य में हर प्रकार की समृद्धि के लिए राजतिलक करें। हुकुम हुकुम, क्षमा चाहता हूं हुकुम, धीर भाई जी बंदी गृह में नहीं है। क्या सैनिको, महल को चारों ओर से घेर लो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब से हमने आप सबके सामने प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की तजवीज रखी है, जिसे देखो तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है, किसने बताने की कोशिश नहीं की कि इसमें क्या क्या मुश्किलात आ सकते हैं, हमें किस किस बात की एहतियात बरतनी चाहिए। हमें इस योजना में एक समस्या है शहंशाह। देखा, बस इसीलिए इतने कम वक्त में मानसिंह इतनी तरक्की कर करके हमारे वजीर खास बन गए। बोलो मानसिंह, क्या मसला है इसमें? मिर्जा, उस अफगानी लड़ाका कबीले ने यदि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का साथ दे दिया तो इस युद्ध का परिणाम हमारे विरुद्ध भी जा सकता है शहंशाह। इससे पहले तो कभी किसी जंग में इन्होंने प्रताप का साथ नहीं दिया। दिया तो नहीं है शहंशाह, पर दे सकते हैं यदि हाकिम खान ने उनको ऐसा करने के लिए कहा तो। हाकिम खान, वो मशहूर अफगान तोपची, प्रताप का खास दोस्त? जी हाँ शहंशाह। तो फिर जाओ मान से, हाकिम खान को हमारा दोस्त बनाओ, जो भी करना पड़े वो करो। समझ गए शहंशाह। गए हाकिम खान, आप जैसा तोपची तो मिल ही नहीं सकता कहीं, और मिर्जा जैसा दोस्त मिलना भी तो नामुमकिन है। अभी तो फकत कहने सुनने के ही दोस्त हैं, मौका ही कहां दिया आपने हमें अपनी दोस्ती निभाने का। मौका भी है मिर्जा, अभी अभी हमारा दोस्त प्रताप मेवाड़ के तख्त पर बैठा है, महाराणा हो गया है हमारा दोस्त, हम उसे मुगलों से बचाना चाहते हैं। मुगलों से तो हम वैसे ही बिना बात भिड़ जाएं, फिर आपने तो दोस्ती जैसी पाक वजह हमारे सामने रख दी है। आमिर, फौरन उदयपुर जाओ और महाराणा प्रताप को हमारा पैगाम दो कि मुगलों के खिलाफ बिना किसी शर्त हम उनके साथ हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि हम बंदी बनाए जाने वाले आदेश की अवहेलना करें, परंतु हम अपने कर्तव्यों की पुकार से बंध के आए हैं। हम सब जानते हैं ना कि जीजा ने सांसारिक जीवन को कब से त्याग दिया है, अब इन पे राजमाता के कर्तव्यों का बोझ डालना इन पे अत्याचार करने बराबर है। बस हम कुंवर प्रताप का राज तिलक करने आए हैं। जीजा ने सांसारिक जीवन को कब से त्याग दिया है, अब इन पे राजमाता के कर्तव्यों का बोझ डालना इन पे अत्याचार करने बराबर है। बस हम कुंवर प्रताप का राज तिलक करने आए हैं। नहीं धीर भाई जी, यह अधिकार आप उसी समय खो चुकी हैं
जिस समय आपने प्रताप के सभी हितों से मुंह मोड़ लिया था, भूल गई या? कुछ ही घंटों पहले आपने प्रताप को उनके परिवार सहित देश निकाला दिया था। वैसे आपकी दुष्टता और साहस की तो प्रशंसा होनी चाहिए। समूचे मेवाड़ राज के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बाद भी अपने राजमाता के अधिकार के लिए राज दरबार में उपस्थित रहने का साहस जो किया है आपने, तो क्या गलत किया चीजा? सारा मेवाड़ जानता है कि हम अपने पुत्र के कर्मों के कारण पहले भी दंडित हो चुके हैं। अब सब कुछ अपने पुत्र जगमाल के माथे थोप कर अनजान बनने का अभिनय मत कीजिए धीरबाई जी। आपके पुत्र जगमाल ने जो कुछ किया है वो आपके पूरे समर्थन के साथ किया है। क्या गलत किया कुंवर जगमाल का समर्थन करके? हम तो केवल राणा जी की अंतिम इच्छा का सम्मान कर रहे थे, और यदि राणा जी की अंतिम इच्छा का सम्मान करने की भूल हमने की है तो सारे दरबार ने भूल की है, राणा प्रताप सिंह ने भूल की है। यदि ऐसा ही था तो राणा प्रताप सिंह ने सारे दरबार के सामने कुंवर जगमाल का विरोध क्यों नहीं किया? क्यों अपने सपरिवार के साथ जंगल चले गए? यदि इनकी अनुपस्थिति में मुगल हमें बंदी बना लेते और सब कुछ हत्या लेते तो हम कहाँ जाते? मानते हैं कि आप सबके साथ साथ हमें भी देर से समझ में आई, परंतु हमारा माथा तो तभी थनका था राणा प्रताप सिंह जब कुंवर जगमाल ने अकबर को इस महल में आमंत्रित किया। समय लग गया हमें उनके पागलपन को समझने में। बस हमारी जीभा लड़खड़ा रही है आपको छोटी माँ कहने में। आप चाहे जितनी भी बातें बना लें, किंतु आज यहां सब जानते हैं जो आपने किया वो सबने देखा। हमने बार बार आप पर विश्वास किया, जानती हैं क्यों? क्योंकि मानवता के उस एक शब्द के लिए, मां। किंतु आपने तो उस विश्वास को भी तोड़ दिया, और फिर भी निर्लज्जता के साथ आज आप यहां हमारे समक्ष खड़ी हैं, अपने आप को भोला और निर्दोष साबित करने के लिए भांति भांति की झूठी बातें बना रही हैं। आज हम इस पद पर हैं किंतु आपके लिए अपने आप को असहाय पा रहे हैं। हम आपको फिर से नजरबंदी गृह में जाने का आदेश देने के लिए विवश हैं। आपको राजद्रोह के लिए नियम अनुसार राज्य का सबसे कठिन दंड देने के लिए। हम केवल आपके दाजी राज की आज्ञा का पालन कर रहे थे। कम से कम अब तो अपना ये स्वांग बंद कर दे धीरबाई जी, देख नहीं रही आप? अब तो सबके सामने खुल चुका है आपका पोल। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति आपको भीतर तक देख पा रहा है। अपने हर कुकर्म के बाद भी यदि आप यहाँ जीवित खड़ी हैं, तो केवल इसलिए कि प्रताप में कूट कूट के भरे हैं मानवता के संस्कार। आपने तो प्रताप से सब कुछ छीन लिया था धीरबाई जी, किंतु जो नहीं छीन पाई थी प्रताप से वो थे प्रताप के मूल्य, प्रताप के संस्कार। वही तो थी प्रताप की सबसे बड़ी पूंजी। आज हम राजमाता जयवंताबाई सभी दरबारियों के सामने धीरबाई जी आपको इतने कठोर नियमों में बांध देंगे कि फिर कभी चाह कर आप प्रताप के मूल्य और भले संस्कारों का लाभ ना उठा पाए, जिसकी एक अरसों से आदत पड़ चुकी है। आज से आपको न केवल नजरबंदी बल्कि उससे भी कठोर शर्तों वाला कारावास दिया जाएगा। इतना कठोर कि सारे समाज के सामने आपको अदृश्य होकर जीना होगा। आज से आपको ना रानी का संबोधन मिलेगा ना राजमाता का। राज्य की छोटी से छोटी दासी भी आपको आपके नाम से पुकारेगी। आज से आपको कोई राजकीय सेवा नहीं दी जाएगी, ना सेवा के लिए कोई दासी, ना रसोईया, ना राजकीय वस्त्र आभूषण, ना कोई सवारी। आज के बाद मेवाड़ नरेश से सीधे बात करने का अधिकार भी खो देंगे आप। जब भी आप राजकीय कारावास से कहीं जाएंगे
तो आपको विस्तारित रूप से बताना होगा कि आप कहां जा रही हैं और क्यों जा रहे हैं, और फिर संबंधित सुरक्षा अधिकारी से आपको अनुमति लेनी होगी। आज से आपको जीवन निर्वाह के लिए साधारण देशद्रोही बंदी को दिया जाता है उतना भर भत्ता मिलेगा, और यदि आप राजकीय मामलों में बातचीत करते पाई गई तो हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि प्रताप के संस्कार और उनके मानवीय व्यवहार आपको किसी भी दंड से कोई सुरक्षा नहीं देगी। देखिए ना आपकी माँ साहब क्या क्या कह रही है, एक बार उनसे कह दीजिए कि हमारे प्रति कोई भी अन्यायकारी आदेशों पर आप मोहर नहीं लगाएंगे। आज हम राजमाता के कहे हुए हर एक शब्द पर अपनी सहमति की मोहर लगा ली। ठीक है कुंवर प्रताप, आप इस समय न्याय का अंतिम शब्द है, तो हम आपके किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे, परंतु हम आपसे वादा करते हैं कि हम भी ये सिद्ध करके रहेंगे कि आपके परिवार के लिए हमारा प्रेम कितना सच्चा है। और एक बात याद दिला दे आपको, हम मेवाड़ की राजमाता हैं और मेवाड़ नरेश के हित की रक्षा करना हमारे लिए उतना ही बड़ा धर्म है जितना हमारे कान्हा जी की सेवा करना। इस दिए की शपथ लेकर कहते हूँ जयवंता भाई जी, यदि कुछ ही दिनों में हमने अपनी सारी शक्तियां वापस हासिल ना कर ली तो हमारा नाम भी धीर भाई जी नहीं। अब महारानी जी को महाराणा प्रताप के साथ आसन ग्रहण करना है। रुक जाइए अजय, ये क्या कर रही हैं आप चाचा? आप वो करने जा रही है जो आज तक राणा जी ने नहीं किया। क्या मतलब? यही कि आप कुंवर प्रताप से अपनी दोनों रानियों के बीच में भेदभाव करवा रही हैं जीजा, और जब देखो तो आपने सम्मानजनक स्थान दिलवा दिया, और भूल कवर वे यहाँ खड़ी रह के देखेंगे क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं भूलकर, आज तक राणा जी ने ऐसा नहीं किया, बाहर वालों के सामने अपनी सभी रानियों को एक समान सम्मान दिया है, अधिकार दिया है। अंतर महल में राजा अपनी किसी भी रानी के साथ क्या समीकरण करे ये एक और बात है, परंतु सबके सामने उन्हें एक समान अधिकार दिया है। इस भूल के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं भूल। आइए। महाराज जी अब आप शपथ ग्रहण कीजिए। हम राणा प्रताप सिंह ये शपथ लेते हैं कि हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने राज्य की रक्षा करेंगे, अपने प्रजाजनों के कल्याण को ही अपना सर्वोपरि मानेंगे।
और अपने प्रजाजनों को पूरे सम्मान भाव के साथ न्यायपूर्ण शासन देंगे। महाराणा प्रताप की जय।